तो दोस्तों अगर आपने भी अपनी कोई एलएलपी बनाई है या आप कोई भी एलएलपी बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ता है। तो काफी सारे लोगों को एलएलपी एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें डालनी होती है, क्या नहीं डालना है, वो सब नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप अपने एलएलपी एग्रीमेंट को कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप जो भी फॉर्म फाइल होता है, फॉर्म 3 इसके लिए फाइल होता है, तो वो फॉर्म 3 कितने दिनों के अंदर अंदर फाइल होता है, कब कब ड्यू डेट होती है, पेनल्टी क्या होती है अगर नहीं फाइल करेंगे एलएलपी एग्रीमेंट तो क्या होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करने के लिए जैसा मैंने बताया आपको फॉर्म 3 फाइल होता है। जो फॉर्म 3 है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से मिल जाएगा। आप यहाँ पर एमसी सर्विसेज में जाएंगे, एलएलपी ई फाइलिंग में जाएंगे और फॉर्म 3 यहाँ पर करेंगे क्लिक, तो आपका जो फॉर्म 3 है वो खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट की सारी डिटेल्स डालनी होती है। ये विद इन 30 डेज के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन अगर एलएलपी बनी है, सपोज आज, तो आज है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो फाइल करना होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चेंज करना है, एड्रेस चेंज हो गया, पार्टनर्स चेंज हो गए, या कुछ भी एलएलपी एग्रीमेंट में अगर चेंज होता है तो न्यू एलएलपी एग्रीमेंट को आपको अमेंड करना पड़ता है। एलएलपी एग्रीमेंट को या तो अडेंडम लगा के कर दो, नहीं तो एलएलपी एग्रीमेंट को ही आप अमेंड कर सकते हैं। तो फिर से आपको फॉर्म 3 में वो सारी डिटेल्स फाइल करनी पड़ती है। तो अब चलते हैं कि ये एलएलपी एग्रीमेंट है वो ड्राफ्ट कैसे होता है, क्या क्या उसमें चीजें आपको डालनी चाहिए, क्या क्या सही रहती है और कितनी उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। देखो, ये एक एलएलपी एग्रीमेंट है जो कि हमने अभी एलएलपी बनाई थी उसके लिए अभी हमने ड्राफ्ट किया है। तो मैं आपको इसी में पूरा बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से क्लोजेस डालने पड़ेंगे। और अगर आपको इसका आपको पीडीएफ वर्जन चाहिए या आपको वर्ड फाइल चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो देखो, एलएलपी एग्रीमेंट में ना आपको सबसे पहले ये लिखना है हर एग्रीमेंट में कि कौन सी डेट पे बन रहा है ये और कौन कौन सी पार्टीज है। जो भी आपके पार्टनर्स होंगे उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो जो पार्टनर होंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, इसमें 3 पार्टनर है तो 3, 4 है तो 4, अगर 2 पार्टनर है तो आप 2 की डिटेल डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे हम, आपको यहाँ पर एलएलपी का नाम लिखना है, एलएलपी का ऑफिस एड्रेस कहाँ पर है वो लिखना है और आपको कंट्रीब्यूशन कितना डाला है। कोई भी एलएलपी बनाने के लिए आपको एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन डालना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी कि आप कितना कंट्रीब्यूशन इसमें डाल रहे हैं और किस किस पार्टनर ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन डाला है, वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे रहेगा, कि आपका जो जितने अमाउंट में आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसी परसेंटेज में रहेगा या आप कोई और परसेंटेज आपने डिसाइड करी है उस परसेंटेज में डालना चाहते हैं। फिर उसके बाद है आपका जो बिजनेस रहेगा वो एलएलपी का क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, बिजनेस के बाद अगर कोई भी फ्यूचर में नया पार्टनर आता है तो वो कैसे एंटर कर सकता है, इसके भी आपको क्लॉजेस डालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है राइट ऑफ पार्टनर्स, अगर जितने भी पार्टनर हैं अभी ऑलरेडी उसके जो राइट्स हैं वो क्या क्या है, कि भाई ऐसा नहीं हो कि अपनी मन मर्जी से जो भी चलाए वो नहीं होगा। अब अगर जो आपने जो एलएलपी एग्रीमेंट बना लिया ना तो ये एक बाइंड हो जाएगा, एक बाइंड एग्रीमेंट होगा, ये सारे पार्टनर्स पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है आपको क्या है ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज हैं आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी। दूसरा है मीटिंग, कि कब कब आप एलएलपी में अपनी मीटिंग्स करेंगे, उसकी भी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर है सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो उसको हम कैसे आप सेसेशन खत्म कर सकते हैं। तो क्या है, आपको 30 डेज का नोटिस देना होगा। जैसे आप जॉब को अगर लीव करते हैं तो आपको रेजिग्नेशन लेटर में नोटिस पीरियड देना पड़ता है, तो आप ऐसे ही एलएलपी को अगर लीव करोगे तो एक हम नोटिस पीरियड रख सकते हैं। फिर है आपको मिसलेनियस प्रोविजंस, अलग अलग जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो कैसे होंगे, तो वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरा है जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे क्लोज होंगे, अकाउंटिंग ईयर कैसे क्लोज होगा, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का देख लिए ध्यान से देखना, ये बैंक अकाउंट का क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक अकाउंट में जो साइनिंग अथॉरिटीज होंगी वो कौन होगी। ठीक है, और जो डिस्प्यूट होंगे जो पार्टनर के बीच होंगे वो रिजॉल्व कैसे करोगे, कहाँ का ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट होगा, ये सब डालना एलएलपी एग्रीमेंट में बहुत जरूरी है। देखो, इस तरह से आप अपना एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं कि हमारी जो एलएलपी एग्रीमेंट हम बना लेंगे उसको हमें एक स्टैम्प कराना होता है और साइन कराना होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्टैम्प पेपर पे एलएलपी एग्रीमेंट कैसे निकलता है और उसको नोटराइज भी हमें कराना पड़ता है। तो देखो, ये हमारा स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट है, ये हमें जो स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट हमने बनाया हुआ है
उस अकॉर्डिंग हमें ये स्टैम्प कराना होता है। अब ये स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे करनी होती है, आप किसी भी अपने नियरेस्ट नोटरी पे जाके इसको नोटराइज करा सकते हैं। आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कितनी लगेगी, तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए आपको फिर से यहाँ पर आना है। मैंने इसमें डिटेल डाली हुई है कि आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है स्टेट वाइज एप्लीकेबल होती है। अगर आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना उतनी ही परसेंटेज पे एप्लीकेबल होती है। अगर मैं बात करूं जैसे कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, या मैं बात करूं आपके महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की कितनी स्टैम्प ड्यूटी होती है, 1% ऑफ कैपिटल और मिनिमम 500। तो अगर आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 50,000 रखा है तो 1% ऑफ कैपिटल और मिनिमम 500 की तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हर स्टेट के अनुसार अलग अलग रूल होते हैं। हर स्टेट में आप जिसमें भी अपनी LLP बनवा रहे हैं या बना रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि LLP जो भी स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स है वो आप उस पर एप्लीकेबल होंगे। तो अब चलते हैं कि आपको जो फॉर्म 3 है उसको कैसे फाइल करना है और अपने LLP एग्रीमेंट को कैसे अपने जो क्लोजेज है उसको दिखाना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म फाइल 4 देखिए, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इनिशियल LLP एग्रीमेंट, या आपने कोई भी फ्यूचर में अगर चेंज किए हैं तो वो फाइल करना है तो आप यहाँ पर टिक कर देना। अभी हमने जस्ट LLP इनकॉर्पोरेट की है उसका हम LLP एग्रीमेंट फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिटेल डालेंगे। फिर होता है एक हर LLP को ना एक LLP नंबर मिलता है, LLP PIN नंबर बोलते हैं उसे। जैसे कोई भी कंपनी हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उसे CIN नंबर मिलता है, ऐसे LLPs का भी एक नंबर होता है। तो हम उसको यहाँ पर नंबर को डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद आपकी जो LLP की डिटेल्स है वो खुद ब खुद आ जाएंगी। फिर उसके बाद है आपको नीचे चलना है, प्लेस एट वेयर इनिशियल एग्रीमेंट वॉज मेड, कहाँ पर आपका जो अग्रीमेंट है वो बना है। तो आपको स्टेट डाल देनी है, स्टेट में कौन सी स्टेट में बना है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है और आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट डालना है। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद अब हम चलते हैं नीचे। तो आपका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है या पार्टनर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगी। उसके बाद है जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है, टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट हमने जब इनकॉर्पोरेशन किया था तब डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जो 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 पार्टनर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जितने भी पैसे उन्होंने डाले हैं, उनके आपको एक एक्सेल फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करने के बाद ना जो एक्सेल में जो डाटा आएगा ना वो ऑटोमेटिक आएगा कि आपने जो इनकॉर्पोरेशन के वक्त डाला होगा कि ये बंदा ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। उसको यहाँ पर बस लेकर अपलोड कर देना। देखो जैसे ही आप अपलोड करोगे जो यहाँ पर रेड कलर की लाइन आ रही थी वो हट चुकी है। फिर उसके बाद है आपका जो म्यूचुअल ड्यूटीज और राइट्स है और रिस्ट्रिक्शंस है। देखो या तो आप अपने जो LLP एग्रीमेंट हमने बनाया था इसमें भी हमने डाली थी कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल ड्यूटीज क्या रहेंगी, राइट्स क्या रहेंगे, यहाँ से आप ऐसे कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हो एज पर LLP एग्रीमेंट। तो आप ये करके लिख सकते हो कि एज पर LLP एग्रीमेंट जब भी आपका LLP एग्रीमेंट बना है उसकी डेट डाल सकते हो और उसके बाद आप अपना नीचे प्रोसेस कर सकते हो। फिर सीधा आपको अपना सेव करना है डेटा और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू चेंज, अगर आपने कोई भी चेंज किया LLP एग्रीमेंट में तो ये सारी जो फील्ड्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। अभी हमने सिर्फ इनिशियल जो एग्रीमेंट है हम वो फिल कर रहे हैं। नीचे आने के बाद आपको सीधा सेव करना है और अपना नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अगर इनिशियल एग्रीमेंट है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद देखो इस तरह से आप अपना एग्रीमेंट है उसको अपलोड कर देना। उसके बाद आपको क्या है, एक भी जो पार्टनर है उनके DSC लगेंगे तो यहाँ पर उनका DIN नंबर डालना पड़ेगा। जिस भी पार्टनर के आप DSC लगाना चाहते हैं उसका यहाँ पर DIN नंबर डाल देना। उसके बाद है आपको एक ये फॉर्म है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना पड़ता है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है और आपके पास कोई भी CA या CS नहीं है तो आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप अपनी LLP को बनाना चाहते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी मिनिमम और डिस्काउंटेड प्राइस पे हम आपको आपके LLP बना के देंगे। देखो सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद फिर से सेव करना है और सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको एक ये पूरे फॉर्म का एक बार रिव्यू कराएगा। आप एक बार ये पूरा का पूरा फॉर्म एज इट इज़ अपना चेक कर लेना। उसके बाद सीधा ऑप्शन पे लेके जाएगा आपको सबमिट के ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको सीधा सेव करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओके आ जाएगा और ओके यहाँ पर करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर एक अपना DSC जो जो आपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है उनके DSC लगेंगे, प्लस में अपने जो डायरेक्टर है या पार्टनर है उनके DSC लगेंगे,
उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल करके इस जो पीडीएफ आई है इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अपना प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो फीस आएगी, फीस जनरली देखो अगर आपका 1 लाख तक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो फीस सिर्फ 50 रुपए जाती है, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 100 रुपए जाती है, फिर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फीस जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म 3 में अपना एलएलपी एग्रीमेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेशन या एलएलपी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग हमसे हमारी सर्विसेज चाहिए तो काफी डिस्काउंटेड रेट्स में हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।